नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य एवं इंदौर जिलाध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता स्थानीय चोपड़ा वाटिका महू में अपने साथियों के साथ ली है। जाकर बताया गया कि महेश्वर जानापाव नर्मदा सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने तैयार किया है और इसका सर्वे आदि के प्रारंभिक कार्य पूर्ण किया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंहानी बघेल द्वारा बजट सत्र में सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि मध्य प्रदेश व गुजरात के मध्य हुए समझौते के अनुसार मध्य प्रदेश को दिसंबर 2024 तक नर्मदा पानी के उपयोग में आने वाली योजनाओं को स्वीकृत कराना है। तत्पश्चात यह समझौता रद्द होकर सभी योजनाओं को बंद किया जाना है। इसलिए सरकार इस योजना को लागू करे। इस योजना में बड़वाहा महेश्वर महू के कुल 122 गांव को फायदा मिलना है, जिसमें से महू के 68 गांव में इस योजना का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सदा किसान विरोधी रही है, किन्तु अगर यह योजना नहीं बनाई गई तो नर्मदा पानी जनता किसान को नहीं मिल पाएगा और बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए इस परियोजना को साथ ही साथ और अन्य परियोजनाओं को आनन फानन में कैबिनेट में स्वीकृत कर कांग्रेस शासन में बनाई गई योजना में कुछ बदलाव करने योजना को स्वीकृत प्रदान की गई है। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार में बनाई गई महेश्वर जाना पाउस नर्मदा सिंचाई परियोजना को किसान विरोधी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा ताबड़तोड़ रूप से कैबिनेट में क्यों मंजूर करना पड़ा, यह बताने के लिए आज की प्रेस वार्ता किसान कांग्रेस ने आयोजित की गई है। यह परियोजना कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में बनी थी। 2018 से 2020 के बीच में 15 वर्षीय कार्यकाल में हमारे नर्मदा घाटी के मंत्री कैबिनेट मंत्री हनी बघेल जी, जो कि सुरेंद्र सिंह बघेल अपने कुपची के विधायक है, उनके द्वारा यह जाना पाओ महेश्वर परियोजना सहित धार बड़नगर सहित अन्य परियोजनाओं पर कार्य शुरू करा था और विशेष करके महेश्वर जाना पाओ परियोजना को उन्होंने पूरे प्रारूप दे दिया गया था। उनके द्वारा NVDA के अधिकारियों को महू भेजकर गांव-गांव सर्वे कराया गया, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, उसमें लाभार्थी विधानसभा क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय विधायक महोदया इस मीटिंग में कहीं पर भी एक बार भी शामिल नहीं हुई। ना उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा, ना किसी तरह के सुझाव दिए और ना इस परियोजना के संबंध में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट लिया। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद माननीय विधायक महोदया धर्मस्थ न्याय की मंत्री भी बनी। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने जो है नर्मदा यात्रा गांव-गांव निकाल कर जो परियोजना बनाई गई थी कांग्रेस सरकार के समय में हनी बघेल जी के कार्यकाल में, उसके DPR को लागू करने की मांग जब माननीय मंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन का वाचन हमारे जामली के सरपंच दिनेश भूत जी ने करा था और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, और वहाँ पे जब किया तो उन्होंने उस पर भी किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं देखती हूँ वो असंभव है इतने ऊपर पानी ले जाना, उन्होंने उस पर कोई सुझाव नहीं दिए। 3 साल मंत्री रही, वापस विधायक बनी, विधायक बनने के बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लग गई, खत्म हो गई और तत्काल 7 दिन के अंदर ये सातों परियोजना क्यों मंजूर करनी पड़ी, इसका मूल कारण है हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल जी ने बजट सत्र के अंदर सदन को यह अवगत कराया वर्तमान बजट सत्र में कि हमारे जो दो राज्यों का समझौता है सरदार सरोवर बांध का जो समझौता 2024 में खत्म हो रहा है, हमारे हिस्से का जो पानी है हमारी योजना है उसको मंजूर करना पड़ेगी, अगर नहीं करी तो पानी नहीं मिलेगा, सरकार नींद से जागी। और उन्होंने ताबड़तोब जो पूर्व में कांग्रेस सरकार की बनी हुई परियोजना का जो है कॉपी पेस्ट करके इसको कैबिनेट में मंजूर करा। अभी आप क्या चाहते हैं मंत्री ठाकुर? हाँ, उषा ठाकुर जी से हमारा कोई भी है कि परियोजना लागू हो कांग्रेस के, हम कांग्रेस और मऊ की जनता की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ता और मऊ की जनता हनी बघेल जी जिनके कारण ये परियोजना बनी और आज मंजूर हुई है, उन्होंने तात्कालिक विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा के इसको मंजूर करने के लिए बाध्य किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि परियोजना 2 से 3 साल में कागजों पर ना रहे, तत्काल लागू हो, इसमें किसी तरह का परिवर्तन ना हो। 25,400 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की परियोजना 122 गांव है जिसमें 68 गांव मऊ विधानसभा के, बाकी बड़वा महेश्वर और पीथमपुर के हैं, यह लागू हो, पेयजल और नदियों को पुनर्जीवन भी इस परियोजना में हो जो उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। आपका कहने का मतलब इस परियोजना का पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है? कांग्रेस ने ही बनाई है, कांग्रेस ने ही इस परियोजना को बनाया और ये नहीं सातों परियोजना को कि 18 साल से सरकार होने के बाद आपने सरदार सरोवर बांध की जो शर्तें उसी को पूरा नहीं करी और क्यों एक दिन में 7 परियोजना आपको बगैर कोई सर्वे बगैर कोई ग्राउंड पे रिपोर्ट के मंजूर करनी पड़ी, इससे मालूम पड़ता कि भाजपा की किसान विरोधी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई थी, इस परियोजना पे उनका कोई ध्यान ही नहीं था। आपका नाम बताओ? संजय शर्मा मामा, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष, इंदौर। आपका